आएगा स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एडवांस में, मैं हूं इलियास। दोस्तों सैमसंग ने पिछले साल अपने गैलेक्सी एम सीरीज को लॉन्च किया था। इस बजट सीरीज में कंपनी ने अब तक करीब आधे दर्जन स्मार्टफोन लॉन्च किए। हाल ही में कंपनी ने अपने गैलेक्सी M31 को लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन को 64 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च किया गया है। वहीं साउमी ने भी पिछले दिनों अपने रेडमी नोट 8 प्रो को 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरे के साथ लॉन्च किया था। इन दोनों स्मार्टफोन्स को 15,000 की प्राइस रेंज में खरीदा जा सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन में से किसे खरीदना आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले बात करते हैं इनकी डिस्प्ले की। सैमसंग गैलेक्सी M31 में 6.4 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है, जिसका रिजोल्यूशन 1080x2340 पिक्सल है। ये इन्फिनिटी यू डिस्प्ले है। ये एक सुपर एमोलेड पैनल है और इसका एस्पेक्ट रेशियो 19:9 है। जबकि रेडमी नोट 8 प्रो में 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है, जिसका रिजोल्यूशन 1080x2340 पिक्सल है 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। वाटरड्रॉप नोच वाले इस फोन के फ्रंट और बैक पैनल पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। अगर इनके OS और प्रोसेसर की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M31 में ऑक्टा कोर एक्सिनोस 9611 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है। ये एंड्रॉइड 10 पर बेस्ड One UI 2.0 पर चलता है, जबकि रेडमी नोट 8 प्रो में नया मीडियाटेक हेलियो G90T प्रोसेसर है। यूजर्स के गेमिंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए कंपनी ने लिक्विड कूलिंग को इस फोन का हिस्सा बनाया है। ये एंड्रॉइड 9 पाई पर बेस्ड MIUI 10 पर काम करता है। अगर कैमरा की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M31 चार रियर कैमरा वाला स्मार्टफोन है। इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। यहाँ सैमसंग आइसोसेल ब्राइट GW1 सेंसर का इस्तेमाल हुआ है। इस कैमरा सेटअप में 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा है। इसी के साथ 5 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है। ये स्मार्टफोन 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के साथ आता है। वहीं पर Redmi Note 8 Pro में 4 रियर कैमरे हैं। यह कंपनी का पहला 64 मेगापिक्सल कैमरा फोन है। इस सेंसर के साथ कंपनी ने 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर और 2 2 मेगापिक्सल के सेंसर दिए। फोन में फ्रंट पैनल पर 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। अगर बैटरी की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M31 में 6000mAh की बैटरी है। ये बैटरी 15 वोल्ट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वहीं पर रेडमी नोट 8 प्रो की बैटरी 4500mAh की है। ये 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अगर इनकी प्राइस की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M31 की कीमत 15,999 रुपये है। ये प्राइस फोन के 64GB स्टोरेज वेरियंट की है। इसके अलावा 128GB स्टोरेज वेरियंट भी है। इसे 16,999 रुपये में बेचा जाएगा। लेकिन लॉन्च ऑफर के तहत कंपनी अपने इस स्मार्टफोन के दोनों ही वेरिएंट को 1,000 रुपये डिस्काउंट के साथ बेचेगी। जबकि Redmi Note 8 Pro को 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 13,999 रुपये है। ये कीमत 6GB रैम 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की है। वही 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये है और 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 17,999 रुपये है। तो दोस्तों अब आप इन दोनों फोन्स में से अपने लिए बेस्ट फोन चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए।